नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी के मऊ जनपद से, जहां मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 के दूसरी तरफ बने वॉशिंग पीट में धुलाई के लिए जा रही ट्रेन का एक डिब्बा मंगलवार की रात पटरी से उतर गया। इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर तकनीकी अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंचकर मशीनों के सहारे बोगी को पटरी पर चढ़ाने के प्रयास में जुट गई। बेपटरी हुई बोगी बहुत दिनों से स्थानीय स्टेशन पर खड़ी थी, जिसे आज धुलाई के लिए वॉशिंग पीट पर ले जाया जा रहा था। रात करीब 11 बजे प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी खाली ट्रेन की बोगियों को धुलाई के लिए वॉशिंग पीट ले जाया जा रहा था। सेंटिंग के दौरान जैसे ही ट्रेन वाराणसी रूट से डाइवर्ट होकर आजमगढ़ रूट पर पहुंचकर वॉशिंग पीट के ट्रैक पर चढ़ी, तभी मुंशीपुरा ओवरब्रिज के पास अचानक एक बोगी पटरी से उतर गई। आप तस्वीरों में देखें किस तरह से यहां पर पटरी को बेपटरी हुई बोगी को पटरी पर लाने की कोशिश में जो कर्मचारी जुटे हुए हैं। इस हादसे में इंजन सहित पूरी ट्रेन डगमगा गई, लेकिन चालक अनहोनी की आशंका से ट्रेन को रोक दिया। बेपटरी बोगी की सूचना मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पीआरओ अशोक कुमार का कहना है कि यार्ड में शंटिंग के दौरान गाड़ी के डिब्बे के कुछ पहिए पटरी से उतरने की सूचना है, जिसे पटरी पर चढ़ाने की कवायद की जा रही है। कहा, बोगी के बेपटरी होने से ट्रेनों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख रहे हैं मऊ ब्यूरो रिपोर्ट।